शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पीएसक्यू लाइन में एक युवक ने कर्ज से परेशान होकर फांसी लगा ली है। आपको बता दें कि मृतक के 3 बच्चे हैं। पुलिस ने शव का पीएम करा लिया है। जानकारी के अनुसार राजू राठौर ने बताया कि पवन ने किसी संतोष जोशी नाम के व्यक्ति से जरूरत के चलते कर्ज 30,000 रूपये लिया था, इसलिए लगातार वापस का दबाव बना रहा था और परेशान कर रहा था, जिसके बाद पवन ने फांसी लगाने का विचार बनाया और उसने मौत को गले लगा लिया। आपको बता दें कि मृतक के साथ उसकी पत्नी, बच्चे और मां भी रहती थी, जो 15 दिन पहले यहां से जयपुर चली गई थी और पत्नी के पास वाले कमरे में सो रही थी। तभी आकर देखा तो कमरे में पवन ने अपने आप को फांसी लगा ली। मृतक का एक बड़ा भाई भी है जो जयपुर में रहता है। मृतक जड़ी बूटी का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पवन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू राठौर। कहाँ रहते हो राजू? मोना। आज ये पवन राठौर ने फांसी लगाई है, क्या पूरा मामला था, क्या कारण? थोड़ा सा क्या है, उसमें अपन आए थे जब बता रहे थे लोग, मतलब कि वो अपने कोई कर्ज मर्ज का उसके पास कोई दबाव था, इसलिए उसने आत्महत्या करने की वो कर ली। किस प्रकार का कर्ज था उसने, किस लिए लिया था? कुछ कोई संतोष जोशी बता रहे हैं। किस लिए लिया था उसने? कुछ के लिए लिया वो, कहाँ जुआ सट्टे के लिए या कुछ भी के लिए, अब ये तो अपन को पता कितना नहीं लिया था। 30,000 रुपये। अरे करम धर्म के लिए कब लिया था? अभी पता नहीं, 2 महीने पहले लिए हुआ, कब लिए थे। वो कोई दवा वगैरह बना रहा था? दवा बना रहा था, इसलिए। किस प्रकार का दवा? काम के लिए अरे उसमें क्या है, उसमें मांग रहा होगा कर्ज पैसे में से, तो उसने अपने लिए मारपीट, तो दवा बना रहा था इसलिए वहाँ अपने फांसी लगा ली। क्या काम करता था पवन? जड़ी बूटी का काम करता था, देसी जड़ी बूटी। कितने बच्चे हैं? बच्चे 3 बच्ची हैं, एक बच्चा है। तो यहाँ अकेला रहता था? अकेला, दोनों माँ भी रहती थी मगर वो अभी है नहीं थी, अब तो 2 ही मियाँ बीवी थे। कहाँ रहता था? ये पीएस की लाइन जवाहर का लोग। जानकारी कैसे लगी? जवाहर कहाँ गए थे वहाँ पे जब फांसी लगाई थी? वो रात की बात है। कहाँ गई थी पत्नी? पत्नी अंदर कब दूसरे पास के कमरे में थी। सुबह उठ के देखा उनने, तब बन के देखा कि क्या हो गया, गेट मेट खोला देखा तो बस। कुछ सुसाइड नोट भी छोड़ा है क्या उसने? हाँ, इसमें एक पत्र छोड़ा है इसने लिख के।